हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडोलोगस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल यानी कोशिका के बारे में। तो सेल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हो गया सेल डिवीजन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, देन एनिमल एंड प्लांट सेल में डिफरेंसेस क्या है, सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप बिना स्किप किए सारी वीडियो को देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेल होता क्या है। लाइक हम लोग सेल को लेटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। ओके, लेटिन लैंग्वेज में क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। एंड सेल क्या है, सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। एंड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665 में सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ओके, एंड सेल थ्योरी जो है ये दिया गया था स्लाइडन एंड शुआन के द्वारा दिया गया था। एंड सेल थ्योरी क्या बोलता है, सेल थ्योरी ये बोलता है कि जितनी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारी बनी हुई है एक या उससे ज़्यादा सेल से। एंड ये जो सारी सेल्स होती हैं ये कहाँ से आती है, ये आती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, इसके बारे में हमारे एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल के बारे में बताया था, एंड उनका नाम था रडॉल्फ वर्कॉ। उनका नाम क्या था, रडॉल्फ वर्कॉ। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो भी जो सेल डिवाइड होता है या फिर जो न्यू सेल फॉर्म होते हैं वो किससे होते हैं, वो होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होते हैं। एंड स्टडी ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। सो नेक्स्ट इज टिश्यू क्या होता है। देखो, जब बहुत सारे सेल मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं या फिर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू। जैसे एग्जांपल में हो गया मसल। एंड स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, हमारा स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, या फिर आप इसे बोल सकते हो PPLO। PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है, PPLO का फुल फॉर्म है प्लूरोपनीमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है, प्लूरोपनीमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एंड लार्जेस्ट सेल किसका होता है, लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच के एग का। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। एंड लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बना रहता है, सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बना रहता है। एग्जांपल में हो गया इसका अमीबा, देन हो गया कैल्मिडोमोनस एंड बैक्टीरिया। तो एग्जांपल याद रखिएगा, बिकॉज एग्जांपल में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं बायोलॉजी में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बने रहते हैं। एंड इसके एग्जांपल में हो गया ह्यूमन बीइंग या फिर ट्री। सो नेक्स्ट है हमारा, हम लोग देखते हैं अभी कि टाइप ऑफ सेल्स, सेल्स कितने तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। दोनों को कंपेयर करते हुए हम लोग इसके बारे में डिफरेंसेस देखेंगे। सो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज, देखो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर आप बोल सकते हो प्राइमरी, एंड कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि वो सेल जिसका जो न्यूक्लियस है वो प्राइमरी है या फिर प्रिमिटिव है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल सिंपलेस्ट होता है एंड प्रिमिटिव इन नेचर होता है, वेयर एज जो यूकैरियोटिक सेल है ये एडवांस होता है एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज, इसका प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है एंड यूकैरियोटिक सेल का साइज लार्ज होता है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज, प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल में एक और चीज़ है कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसका प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो नहीं होता है, वेयर एज यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट डिफरेंस इज, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स होते हैं वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, मतलब इसके जो ऑर्गनल्स होते हैं उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, वेयर एज जो यूकैरियोटिक सेल है इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट डिफरेंस इज, प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, वो एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बट किसमें होता है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज,
प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये क्या है, ये एक सिंगल नेकेड क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर सिंगल नेकेड क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम रहते हैं एंड इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल नेकेड क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो होता है फिजन एंड बडिंग के थ्रू, लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस या फिर माइकोसिस के थ्रू, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, माइटोसिस या फिर माइकोसिस के थ्रू होता है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम लोग एक एक करके जितने भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, देन वैक्यूल जो कि प्लांट के अंदर लार्ज होता है वेयर एज इन एनिमल ये स्मॉल होता है, देन हमारा गोल्जी बॉडीज जो कि स्टोर का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, जो भी चीज़ें जो प्रोडक्ट जो हमारे ER यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो चीज़ें सिंथेसाइज होते हैं उसे स्टोर करने का काम करता है, उसे मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट हमारा राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। देन हमारा लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग, एंड इसे क्या बोलते हैं वो हम लोग अभी, एंड इसे क्यों बोलते हैं उसे हम लोग अभी बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है हम लोग का SER एंड एक होता है हम लोग का RER, यानी कि हमारा हो गया एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो रफ क्यों होता है, ये रफ इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के प्रेजेंस की वजह से ये रफ होता है। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिड, प्लास्टिड जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। सो दीज आर द स्मॉल डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताई, अभी हम लोग इन सबको डिटेल में देखेंगे। देखो सेल ऑर्गेनल मैं आपको एक बार डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ। देखो जैसे कि हमारा ये सेल हो गया, इसके अंदर जो सेलुलर कॉम्पोनेंट्स होते हैं, मतलब कि जो सेल की कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसी को हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा सेल है, इसके अंदर एक छोटे छोटे इसके जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वही होते हैं सेल ऑर्गेनल। मान लो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया लाइसोसोम, ये हो गया गोल्जी बॉडीज, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनल। सो अभी हम लोग एक एक करके इसे यू नो डिटेल में देख लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एक आउटर कवरिंग होता है सेल का, सेल का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो जैसे ये हमारा सेल है तो ये क्या होगा, ये सेल का आउटर कवरिंग हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये भी याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। सो द नेक्स्ट इज ये क्या है, ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि यू नो ये क्या करता है, ये एक गार्ड की तरह काम करता है, मतलब कि जैसे गार्ड क्या करता है, कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही आने जाने के लिए यू नो अलाउ करता है। सिमिलरली जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसलिए क्या करता है, ये कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर एंट्री एंड उसके एग्जिट के लिए अलाउ करता है। सो नेक्स्ट इज ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है एंड इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है क्या करती है, ये इनेबल करती है इंगल्फमेंट ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल। और वो कहाँ से इंगल्फ करते हैं, वो लोग फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंगल्फ करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंड ये प्रोसेस के थ्रू जो अमीबा है वो अपना जो फूड है वो इसी प्रोसेस के थ्रू लेता है। नेक्स्ट इज ये बना रहता है किससे, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना रहता है जो कि क्या है, लिपिड एंड प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना रहता है, लिपिड एंड प्रोटीन से बना रहता है, स्टार मार्केट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज जो सेल वॉल होता है, ठीक है, देखो प्लांट सेल के अंदर जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये हमारा सेल वॉल है, प्लांट सेल है, ठीक है, तो प्लांट सेल का जो ये जो आउटर कवरिंग होगा वो होगा सेल वॉल, और इसके अंदर जो एक और पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल के अंदर किसके अंदर पाया जाता है, सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, वही यहाँ पे लिखा गया। फिर हमारा डिफ्यूजन, देखो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है किसी भी चीज़ का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। फॉर एग्जांपल देखो ये हमारा सेल है मान लो, और सेल के अंदर क्या हो गया, मतलब CO2 की जो मात्रा है वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड जो उसका कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा भर गया हमारे जो सेल के अंदर। एंड जो सेल का जो आउटर इन्वायरमेंट है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है जो CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। तो क्या होगा, जब भी ऐसा डिफरेंस होता है, मतलब हाई एंड लो का डिफरेंस होता है, तो उस केस में क्या होता है, डिफ्यूजन टेक प्लेस करता है। एंड जो CO2 क्या है, ये एक सेलुलर वेस्ट है, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे जो है सेल से एक्सक्रीट करना पड़ेगा, सेल से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करता है, यहाँ पे क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें हमेशा क्या करती है, हाई कंसंट्रेशन से हमेशा जो है लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बिकॉज क्योंकि सेल के अंदर जो CO2 का जो मात्रा है वो क्या बहुत ज़्यादा है,
CO2 का जो कंसनट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एंड इसके आउटर जो इसका आउटर इन्वायरमेंट है वहाँ पे बहुत कम है, तो CO2 जो वो क्या करने लगेगा, वो मूव करने लगेगा हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। तो क्या होगा, जो हमारा जो सेल है इससे जो है CO2 जो हमें नहीं चाहिए होगा वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। सिमिलरली जैसे अगर हमारे सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है एंड सेल के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या है, वो कम है एंड इसके आउटर इन्वायरमेंट जो ऑक्सीजन क्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन के हेल्प से जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो डिफ्यूजन जो है ये यहाँ पे हम लोग को हेल्प करता है। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, देखो जब यही चीज़ जब वाटर के अंदर होता है, मतलब कि जब चीज़ें जो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो हम लोग इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसे, ऑस्मोसिस। एंड जब चीज़ें जो है क्या करती हैं, जब लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करने लगती हैं, देखो जब हाई से लो की तरफ करती हैं तब तो हम लोग उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस, लेकिन जब चीज़ें जो है लो कंसनट्रेशन से हाई की तरफ मूव करने लगती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड जो हमारे घर में जो प्यूरीफायर्स होते हैं ना वो भी जो है किस पे काम करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पे ही काम करते हैं। अभी हम लोग और देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट रहता है दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल में भी लाइक कुछ चीज़ें हैं जो है रेपिटेटिव ही हैं इसके अंदर, इस जो सेल वॉल जो वो प्रेजेंट रहता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड ये रहता है इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हम लोग ने देखा था प्लांट सेल के अंदर एक सेल वॉल रहता है एंड उसके अंदर एक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है एंड सेल वॉल क्या करता है, ये क्या है, ये एक रिजिड कवरिंग होता है, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर ये एक रिजिड कवरिंग होता है एंड ये लाई करता है आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर रहता है। और जो सेल वॉल है ये बना हुआ रहता है किसका, सेल्युलोज का बना रहता है एंड सेल्युलोज क्या है, सेल्युलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कौन, सेल्युलोज। एंड सेल वॉल जो होता है ये किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया एंड फंगी के अंदर प्रेजेंट रहता है, स्टार मार्केट, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि जो सेल वॉल है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो प्लांट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एंड फंगी के अंदर प्रेजेंट रहता है। आपको ऐसे चार ऑप्शन दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जो है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट रहता है, तो एक रहेगा जिसके अंदर नहीं प्रेजेंट रहेगा, तो आप ये तीनों एग्जाम्पल को याद रखिएगा। एंड प्लांट सेल जैसे हम लोगों ने देखा था सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर, मतलब सॉरी सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड एनिमल के अंदर ये एब्सेंट रहता है। सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में चीज़ें देख लेते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, ये एक डार्क कलर का स्फेरिकल ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, हर सेल के एक सेंटर में प्रेजेंट रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। एंड इसके पास क्या होता है, ये एक डबल लेयर कवरिंग रहता है इसके पास, यानी कि इसके पास एक डबल लेयर कवरिंग रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो कि जैसे मान लो ये सेल है हमारा एंड ये हो गया न्यूक्लियस, इसके पास एक और कवरिंग रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके पास पोर्स रहता है जो कि अलाउ करता है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स, चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, कहाँ से कहाँ, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में, ये चीज़ों को ट्रांसफ़र में अलाउ के लिए अलाउ करता है, जो इनके पोर्स होते हैं न्यूक्लियस में जो पोर्स होता है वो ट्रांसफ़र के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट इज़ ये प्ले करता है एक सेंट्रल रोल किसके अंदर, सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है एंड द प्रोसेस, एंड इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो सिंगल सेल होता है वो डिवाइड होता है दो न्यू सेल्स के अंदर, ठीक है, एक जो सिंगल सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है दो न्यू सेल के अंदर। एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स भी होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। एंड देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जभी भी ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो तभी विजिबल होता है जब सेल जो होता है वो डिवाइड होने वाला होता है, जभी भी जो सेल है जब व्हेन सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड तो उसी केस में जो है ये हमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है किसका, क्रोमोसोम का। नेक्स्ट इज वन सेक, जो क्रोमोसोम है ये किसका बना रहता है, ये बना रहता है डीएनए एंड प्रोटीन का बना रहता है एंड क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, ये कंटेन करता है इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है किस लिए, इनहेरिटेंस के लिए, ताकि जो कैरेक्टर्स है वो इनहेरिट कर सके कौन, पेरेंट से जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी, उसमें किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। एंड जो न्यूक्लियस होता है ये प्रेजेंट रहता है दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है। सो नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स या फिर शीट होते हैं एंड इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये एक चैनल की तरह सर्व करता है
फॉर ट्रांसपोर्ट मटीरियल, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि हो गया हमारा प्रोटीन, एंड किस किस के बीच में करता है ये ट्रांसपोर्ट, साइटोप्लाज्म के बीच में या फिर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच में करता है ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट। देखो ये हमारा हो गया सेल एंड सेल, ठीक है, एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन ये हो गया हमारा न्यूक्लियस एंड ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना आपको, यही है हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच में क्या करता है, ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, या तो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही करेगा। नेक्स्ट इज़ ये क्या होता है, जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो ER है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। याद रखिएगा कि सेम नहीं होता है, सिमिलर होता है, सिर्फ सिमिलर दिखता है, सेम नहीं होता है। सो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को हम लोग बोलते हैं RER एंड स्मूथ को बोलते हैं SER। अभी हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, जो RER है यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसा कि मैंने बताया था ये रफ होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। एंड राइबोसोम क्या होता है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है एंड प्रेजेंट रहता है जितने भी जो एक्टिव सेल है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हेल्प करता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट, फैट मॉलिक्यूल्स के मैन्युफैक्चर में ये हेल्प करता है। और क्या करता है, ये फैट मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो या फिर लिपिड आप बोल सकते हो, उसके मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। इसके साथ ही ये हेल्प करता है डीटॉक्सिफाइंग ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स, जो है ये क्या करता है, ये पॉइजन एंड ड्रग्स को डीटॉक्सिफाई भी करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट है हमारा, जो क्या करता है, जो प्रोटीन एंड जो लिपिड यहाँ पे बने रहते हैं, हम लोग ने देखा कि क्या करता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है एंड जो लिपिड, ठीक है। तो कुछ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो प्रोटीन एंड लिपिड्स होते हैं वो हेल्प करता है इन बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में ये हेल्प करता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। सो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है हमारा गोल्गी बॉडीज आप बोल सकते हो या फिर आप इसे बोल सकते हो गोल्गी एपरेटिस। ये डिस्क्राइब किया गया था किसके द्वारा, गोल्गी एपरेटिस के बारे में बताया था कमिलो गोल्गी ने। एंड ये क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होता है, ये एक फ्लैटेंड सैक होते हैं जो कि अरेंज रहता है अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। गोल्गी जो बॉडीज रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो प्रेजेंट रहता है एक पैरेलल, यू नो ऐसे रहता है गोल्गी बॉडीज, क्या ये पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल फॉर्म में रहता है, अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल रहता है और स्टैक्स में रहता है। देखो ये स्टैक्स में भी है एंड पैरेलल भी है, तो ऐसे ही ये प्रेजेंट रहता है, कौन हमारा गोल्गी, जो गोल्गी बॉडीज होता है वो। एंड ये क्या करता है, जो गोल्गी बॉडीज होता है ये चीज़, जो चीज़ें देखो, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो भी चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं वो चीज़ें क्या होती हैं, उसे पैक करके एंड देखो वो क्या करता है, देखो गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं, थ्रू दिस मटेरियल सिंथेसाइज नियर ER, वो मटेरियल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास सिंथेसाइज होते हैं उसको पैक करने का काम एंड उसे डिस्पैच करने का काम उसे पैक करता है एंड डिस्पैच करता है टू द वेरियस टारगेट, ठीक है, जो भी टारगेट हैं उसके पास इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर एंड सेल के अंदर चीज़ों को डिस्पैच करता है एंड पैक करने का काम करता है। मेन फंक्शन जो गोल्गी बॉडीज़ का ये होता है कि वो स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल, एंड चीज़ों को पैक करता है कहाँ पे, वेसिकल में। देन नेक्स्ट है हमारा, ये इन्वॉल्व रहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइसोसोम के फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व रहता है, हमारा गोल्गी बॉडीज़। एंड ये प्रेजेंट रहता है दोनों में, प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है। सो नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसे हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं एंड क्यों बोलते हैं, विल सी। देखो जो लाइसोसोम होता है ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक है जो कि फिल्ड रहता है किसे, डाइजेस्टिव एंजाइम से। एंड ये डाइजेस्टिव एंजाइम बने रहते हैं RER के द्वारा यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। एंड लाइसोसोम ये क्या होता है, ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारे सेल का ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है। लाइसोसोम हेल्प करता है टू कीप सेल क्लीन, सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है। और ये कैसे क्लीन करता है, बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, जितनी भी जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं। एंड फॉरेन मटेरियल्स में क्या आ जाएगा, देखो फॉरेन मटेरियल्स में आ जाएगा जैसे हो गया बैक्टीरिया या फिर फूड हो गया या फिर जो हमारे ओल्ड ऑर्गेनल्स हो गए, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी फॉरेन मटेरियल में। तो ये इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल को, एज वेल एज जो वॉर्न आउट सेल्स होते हैं उनको, और उसको डाइजेस्ट करने के साथ ही साथ ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारे सेल को क्लीन करने में। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस, वो इसलिए ये सारी चीज़ें इसलिए कर पाते हैं बिकॉज इनके पास जो होता है ये कंटेन करता है एक बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि केपेबल होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, जितनी भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसे ब्रेक डाउन करने में ये केपेबल होता है।
और जब भी हमारा जो सेल है वो डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, जो लाइसोसोम होता है वो बर्स्ट हो जाता है, वो फट जाता है, एंड एंजाइम जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने खुद के सेल को ही, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग सुसाइडल बैग, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या होते हैं, इसके पास दो मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसके पास ये पोरस होता है, एंड जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये डीपली फोल्डेड होता है। देखो मैं ट्राई करती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का, जैसे ये हो गया हमारा, ये हो गया इसका आउटर पार्ट, यानी जो आउटर मेम्ब्रेन है, एंड जो इसका इनर मेम्ब्रेन है ये कुछ ऐसे ऐसे होता है, ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन, ये क्या, ये डीपली फोल्डेड है, एंड ये जो इसके फोल्ड्स है वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ कर देता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है फॉर एटीपी के लिए, ठीक है, एटीपी के लिए ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। एंड एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये जो एनर्जी स्टोर किया, एंड ये जो एनर्जी जो है स्टोर किया जाता है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। देखो हमारा जो बॉडी है वो यूज़ करता है एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, जो हमारा एनर्जी जो है एटीपी के अंदर जो स्टोर रहता है वो हमारा बॉडी किस लिए यूज़ करता है, वो यूज़ करता है न्यू केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए या फिर फॉर मैकेनिकल वर्क के लिए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास डीएनए एंड राइबोसोम, इसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, एंड बिकॉज इसके पास इसके राइबोसोम है इसलिए क्या करता है, राइबोसोम है इसलिए क्या करता है, ये अपना जो प्रोटीन है ये खुद से बना सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है ये प्रेजेंट रहता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर, एंड ये दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट एंड दूसरा है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं कलर प्लास्टिड, वेयर एज ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं। एंड वो क्लोरोप्लास्ट जिसके पास एक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है उसे हम लोग बोलते हैं वो क्रोमोप्लास्ट जिसके पास पिगमेंट होता है क्लोरोफिल उसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। एंड ये क्लोरोप्लास्ट इसमें हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर दिस फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ठीक है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये कंटेन करता है, देखो क्लोरोफिल तो इसके पास रहता है, साथ ही साथ इसके अलावा ये येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट भी इसके अंदर होता है। देन नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये स्टोर करता है किन चीज़ों को, स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन को ये स्टोर करता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है इसलिए वो प्रोटीन को बना सकता है, सिमिलरली जो ब्लास्टिड होता है इसके पास भी इसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। सो नेक्स्ट इज वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होता है, ये एक स्टोरेज सैक होता है फॉर किसका, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, सॉलिड और लिक्विड जो कंटेंट्स होते हैं उसके लिए एक स्टोरेज सैक का काम करता है। एनिमल्स के अंदर ये स्मॉल होता है, वेयर एज इन प्लांट्स सेल क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। एंड कुछ जो सेंट्रल वैक्यूल होते हैं प्लांट सेल के अंदर वो ऑक्यूपाई करते हैं ऑलमोस्ट 50-90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल, मतलब जो सेल है इसकी वॉल्यूम का जो 90 या फिर 50% जो का वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल होगा। एंड ये क्या होता है, ये फुल ऑफ सेल सैप होता है जो कि प्रोवाइड करता है ट्रिजिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है किसको, सेल को ट्रिजिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करने का कौन काम करता है, वैक्यूल। और जो बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे कि हो गया हमारा अमीनो एसिड, शुगर, और जो बहुत सारे जो ऑर्गेनिक एसिड हो गए या फिर जो प्रोटीन है, ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है प्लांट के प्लांट सेल के लाइफ के लिए। एंड ये जो चीज़ें ये कहाँ पे स्टोर रहती है, ये स्टोर रहता है इन द वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा, अभी हम लोग देखते हैं सेल डिवीजन के बारे में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेल डिवीजन जो होता है क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे एक नया सेल बनता है, बाय विच अ न्यू सेल आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेल डिवीजन, उसी को हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, माइटोसिस एंड मायोसिस, याद रखिएगा माइटोसिस एंड मायोसिस होते हैं, दो होते हैं। माइटोसिस क्या होता है, इसके अंदर ये प्रोसेस है ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ, इसमें जो सेल होते हैं क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, एंड किस लिए होते हैं, ग्रोथ के लिए डिवाइड होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो हमारा एक सेल होता है यानी कि जिसे हम लोग मदर सेल बोलते हैं, वो डिवाइड होता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर, मतलब दो सेम जो है डॉटर सेल्स बनेंगी
जिसके पास सेम नंबर ऑफ यू नो क्रोमोसोम होता है, जो मदर सेल के पास जितने क्रोमोसोम होंगे वही जो है वही क्रोमोसोम जो होते हैं वो डॉटर सेल के पास भी होते हैं। एंड ये हेल्प करता है ग्रोथ, हेल्प करता है किसके अंदर, ग्रोथ के अंदर एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के अंदर, टिश्यूज़ इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यूज़ को ग्रोथ के लिए एंड उसके रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड एक और चीज़ जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, माइटोसिस में क्या होता है, ये मान लो कि हमारा हो गया क्या, मदर सेल हो गया, ये किसमें, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती हैं, जिनके पास क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि मदर सेल के पास होता है। मान लो कि अगर इनके पास चार क्रोमोसोम है तो इनके पास भी फोर क्रोमोसोम्स ही होंगे। सो नेक्स्ट है हमारा मायोसिस। मायोसिस में क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स, मतलब कि दो बैक टू बैक डिविजन्स होती हैं इसके अंदर। एंड इसमें जो सेल डिवाइड होता है टू प्रोड्यूस फोर न्यू सेल्स इसके अंदर बनते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट टू, सिर्फ दो बनने के बदले इसमें क्या बनते हैं, फोर न्यू सेल्स बनते हैं। एंड ये जो न्यू सेल बनते हैं इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है देन द मदर सेल, यानी कि अगर मान लो मदर सेल के अंदर फोर क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल के अंदर कितने होंगे, टू क्रोमोसोम्स होंगे। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ये मान लो हमारा है मदर सेल, ये डिवाइड होगा पहले दो डॉटर सेल के अंदर, फिर वापस से ये फोर में डिवाइड हो जाएगा, दो कंजेक्यूटिव डिवीजन लिखा था तो ये हो गया हमारा पहला डिवीजन। एंड ये क्या हो जाएगा, उसके बाद ही जस्ट उसके बाद एक और डिवीजन हो जाएगा जिसके अंदर ये डिवाइड हो जाएगा फोर डॉटर सेल के अंदर। एंड इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होती है, वो हाफ होती है मदर से, ठीक है। मान लो मदर के अंदर फोर है तो इसके अंदर कितनी होंगी, टू क्रोमोसोम्स। सो नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर डिफरेंसेस क्या होती है। सेल वॉल जो होता है ये सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर एंड एबसेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट के अंदर एंड एबसेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। वैक्यूल क्या होते हैं, लार्ज होते हैं प्लांट सेल के अंदर, वेयर एज इन एनिमल सेल दे आर वेरी स्मॉल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल के अंदर कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज जो सेंट्रियोल होता है वो एबसेंट होता है प्लांट सेल के अंदर एंड प्रेजेंट रहता है एनिमल सेल के अंदर। सो दीज वर सम डिफरेंसेज, याद रखिएगा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर डिफरेंसेज क्या क्या हैं। सो अभी हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक अच्छे से समझ में आई हैं एंड उन चीज़ों को आप अप्लाई करना अभी यहाँ पे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल्स, सेल की डिस्कवरी जो है किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने की थी, किसमें, इन द ईयर 1665 में किया था इन्होंने सेल की डिस्कवरी। एंड जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। एंड स्लाइडन एंड शुवान ने दिया था सेल थियरी। एंड लिवेनहॉक ने किसके बारे में बताया था, लिवेनहॉक ने बताया था फ्री लिविंग सेल्स के बारे में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। तो यू नो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस के अलावा जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए पाए जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से क्या कर पाता है, ये अपना प्रोटीन जो है खुद बना पाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही साथ जो प्लास्टिड होता है इसके पास भी खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड लाइसोसोम को बोलते हैं हम लोग सुसाइडल बैग। एंड ये क्या करता है, ये इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ। यहाँ पूछा गया है कि जो प्लांट सेल है वो किससे बना हुआ रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सेल्युलोज। प्लांट सेल जो है वो सेल्युलोज से बने हुए होते हैं। एंड सेल वॉल क्या होता है, ये आउटर कवरिंग होता है प्लांट सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू न्यूक्लियस इज एबसेंट इन। जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो किसके अंदर एबसेंट होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो एबसेंट होता है। एंड देखो, एंड बैक्टीरिया के अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्यों एबसेंट होता है, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। एंड सेल वॉल क्या होता है, ये प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, बैक्टीरिया एंड फंगी के अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन शरीर के अंदर, मतलब जो मानव शरीर है उसके अंदर लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज नर्व सेल. नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है इन द ह्यूमन बॉडी. एंड स्मॉलेस्ट सेल जो हम लोग देखते हैं, स्मॉलेस्ट सेल नॉट इन ह्यूमन बॉडी बट इन ओवरऑल, तो ओवरऑल जो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, PPLO भी बोलते हैं, यानी कि प्लोरोप निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसे हम लोग बोलते हैं. एंड लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियॉइड इज प्रेजेंट इन, जो न्यूक्लियॉइड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियॉइड्स प्रेजेंट रहता है. एंड न्यूक्लियॉइड्स होता क्या है, ये एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स, तो कौन सा जो सेल ऑर्गेनल है जो लाइसोसोम को बनाने में हेल्प करता है या फिर यू नो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करता है लाइसोसोम में. सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज जो होती है वो हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, लाइसोसोम, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में. एंड गोल्डी जो गोल्गी बॉडीज होती हैं, जो गोल्जी बॉडीज होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन रहता है स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का एंड पैकेजिंग का. किन चीज़ों का, उन मटेरियल्स का जो कि सिंथेसाइज होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अट्रैक्टिव कलर ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू, जो फ्लावर जो होता है उसके अंदर जो अट्रैक्टिव कलर होता है वो किसके, मतलब यू नो किसके वजह से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज क्रोमोप्लास्ट. वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है. एंड ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट एक वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, वेयर एज हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं कलर प्लास्टिड को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग, प्लांट सेल और एनिमल सेल में ऐसा कौन सा चीज़ है जो यहाँ पे जो मेंशन है, इनमें से कौन सा चीज़ है जो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है या फिर सिर्फ एनिमल में, तो आपको वो बताना है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सेल वॉल. सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, और जो बाकी की जो चीज़ें हैं यानी कि न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रेजेंट रहता है दोनों के अंदर, प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किससे कंपोज होते हैं या फिर किससे बने हुए होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन. क्रोमोसोम्स जो होता है वो डीएनए एंड प्रोटीन दोनों से बने हुए होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो एनर्जी सेल होता है वो हम लोग किसको बोलते हैं, एनर्जी यू नो सॉरी जो एनर्जी करेंसी होता है सेल का वो हम लोग किसको बोलते हैं, तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हम लोग बोलते हैं एटीपी को, यानी कि जो क्या है इसका मतलब, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आपको इसका आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में करना है. सो द क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स को पैक करने का, मॉडिफिकेशन करने का उसका या फिर स्टोरेज करने का काम कौन सा सेल ऑर्गेनल करता है, तो आपके ऑप्शंस हैं लाइसोसोम्स, गोल्जी एपरेटस या फिर एपरेटस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड. तो आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करना है. आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक अच्छे से समझ में आई होंगी. तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद.